आदमी की अंगूठी गुम गई, अंगूठी गुम गई, लापता हो गई। पूछने वालों के पास गया, अब हमारी सोने की अंगूठी गायब हो गई, बताओ कहाँ है। तो एक ज्योतिषी ने कहा तकिया के नीचे है। दूसरा ज्योतिषी बैठा था, बोले नहीं 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 तकिया के नीचे नहीं है, बक्सा में रखी है। तीसरा बोला ना 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 ना, कोने में डली। आदमी हैरान, अंगूठी तो गुम गई पर कोई एक जगह बताई नहीं, जहां है वहां बता। एक महात्मा बैठे थे, महाराज प्रणाम, खुश रहो। महाराज हमारी अंगूठी गुम गई, आप सही सही बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ महाराज कहाँ है? बोले भैया ये तीनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। एक ज्योतिषी कह रहा तकिया के नीचे, दूसरा कह रहा बक्सा में, तीसरा कह रहा कोने में डली। तीनों में आपस में ही टकराव है, पर हम जो बोलेंगे वो कटेगी नहीं बात। महाराज बताओ बताओ कहाँ है? अंगूठी चाहे जहां हो, जहां भी होगी सोने में होगी। अंगूठी हमें ये नहीं पता कि तकिया के नीचे के कोने में के बक्सा में, वो जहां भी होगी सोने में होगी, सोने से अलग नहीं हो सकती है। वैसे ही भैया भगवान चाहे जिस रूप में हो, चाहे सूंड वाले होवे, चाहे वो भैया मुरली वाले होवे, चाहे धनुष वाले होवे, चाहे मुग्धर वाले होवे, वो जैसे भी होंगे जहां भी होंगे वो तो एक ही होगा, अनेक नहीं होगा। वो परमात्मा एक है, अनेक नहीं। एक बात और, सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि हम लोगों के पास विविध प्रकार के भगवान हैं। जिनकी राम जी से नहीं बन रही, कृष्ण भगवान से सेटिंग कर लो। कृष्ण भगवान से नहीं बन रही, बजरंग बली से सेटिंग कर लो। उनसे नहीं बन रही, इनसे गणेश जी के जय गणेश देवा इन्हें पकड़ लो। इनसे नहीं बन रही तो माता जी आने वाली है, ओम जय अम्बे गौरी। कोई ना सुने, नारद जी को पकड़ लो, शंकर जी को पकड़ लो, बुरा ना मानना। दूसरे मजहब वालों के पास में तो एक के अलावा इमरजेंसी कॉल उठाने वाला दूसरा ही नहीं है। आओ, आओ, एक ही है, एक ही है। और मान लो अगर वो नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल नहीं उठ सकती उनकी। इधर तो लंबी लेन है, यही सनातन धर्म है। हमारे पास नवीनता है, हमारे पास विविधता है, हमारे पास रंगों से भरा जीवन है, हमारे पास रामचरितमानस है, गीता है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 5वां वेद महाभारत है। औरों के पास एक ही किताब है, चाहे उल्टी पढ़ लो चाहे सीधी पढ़ लो, बुरा न मानना। हम उनके विरोधी नहीं है। हे योगेंद्र प्रताप, जो खिचड़ी पकी है वो खिचड़ी हम तुम्हें खिला रहे हैं। तुमने लिखा खिचड़ी पक गई, ये खिचड़ी खाओ। औरों के पास एक ही है, इधर अनेक हैं, ये हम सनातनियों का सौभाग्य है। इसीलिए ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर तो एक है। कितने हैं? जोर से बोलो,